देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। ठीक है, हमें बोला है प्रूव दैट द सरफेस एरिया को हमें दिखाना है कि सरफेस एरिया जो है ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का बेस कैसा है, स्क्वायर एक, एंड गिवन वॉल्यूम is minimum when it is a cube। ठीक है, when it is a cube, how to solve this type of problems देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे ठीक है मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, दूसरा किसको हमें मैक्सिमा करना है या किसको हमें मिनिमा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे गिवन हमें क्या है। यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, हमें क्या बोला है, गिवन वॉल्यूम, हमें यहाँ पे वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, किसको हमें मैक्सिमा करना है या मिनिमा करना है देखते हैं। प्रूव दैट द सरफेस एरिया किसका, ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, हमें किस क्या करना है, मिनिमम के लिए बात करनी है, वो भी किसकी, सरफेस एरिया के। ठीक है, हमें सरफेस एरिया के मिनिमम की बात करनी है। ठीक है, एस सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हुए ये पहचानना है कि क्या चीज क्वेश्चन में हमें गिवन है और क्या चीज, किस चीज को हमें मिनिमा करना है, किस चीज को हमें मैक्सिमा करना है, सबसे पहले हमें इसी चीज को समझना है। अब देखिए यहाँ पे बात की है क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, देखिए हम क्यूबॉइड बना रहे हैं, ये एक क्यूबॉइड है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए, दिस इज आर क्यूबॉइड। अब हमें पता है क्यूबॉइड में ये एल होता है, ये हमारा बी होता है, एंड दिस इज आर एच। तो क्यूबॉइड जो होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ ए क्यूबॉइड, टू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये हमारा क्यूबॉइड होता है। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ ए स्क्वायर बेस, यहाँ जो क्यूबॉइड है उसका बेस कैसा है, स्क्वायरिक है, स्क्वायरिक बेस होगा तो क्यूबॉइड कैसे चेंज होगा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्यूबॉइड को देखिए, हमने क्यूबॉइड बनाया, यहाँ पे इसका बेस जो है वो स्क्वायरिक है, इसको ध्यान में रखा, देखते हैं स्क्वायरिक बेस से मतलब है कि ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है ये दोनों आपस में कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर हमने इसको एक्स कंसिडर किया है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये जो बेस है ये हमारा कैसा है, स्क्वायर है, कैसा है, स्क्वायर है, स्क्वायरिक बेस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका जब वॉल्यूम की बात करेंगे, हमें पता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो यहाँ पे एल कितना है, एक्स है, b कितना है, x है, और h कितना है, y, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्क्वायर बेस के लिए, क्यूबॉइड स्क्वायर बेस के लिए v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह से s सरफेस एरिया क्या है, टू क्या है, l है, l कितना है, x है, b कितना है, x है, प्लस b कितना है, x, h कितना है, y, प्लस x y। ठीक है, तो सरफेस एरिया विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2xy, 2x स्क्वायर टू द 4xy, ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा फॉर ए स्क्वायर बेस ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, अच्छा तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, एक्स स्क्वायर वाई होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास वॉल्यूम हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, वॉल्यूम हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, तो v हमारा क्या है, ये गिवन है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो y को हमने यहाँ से निकाला, इससे कोई एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, x, यहाँ पे अगर हमने इसको निकाला, ठीक है,
तो यहाँ से y को निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y इज इक्वल टू v अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज आर इक्वेशन 1, इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है। फिर हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, सरफेस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया हमारा क्या है, s s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4xy, हमने देखिए यहाँ से लिखा ये चीज़ इसको। फिर जिसको हमें मैक्सिमा और मिनिमा करना होता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल। तो s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x, और y हमारे पास कितना है, y यहाँ पे हमारे पास है v x स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल हो गया, s विल गिव यू 2x स्क्वायर प्लस 4v/x, ठीक है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा ऑन डिफरेंशिएटिंग सरफेस एरिया s विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ds/tx। हमने किया, 2 2 4x हो गया, -4v/x² हो गया, ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट ds/dx इज इक्वल टू 0, 4x-4v/s² इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 4v/x², 4x क्यूब इज इक्वल टू 4v, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू v1/3। क्लियर बात है, ये हमारा पॉइंट x आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए हमें यहाँ पे इसको ये भी दिखाना है कि ये मिनिमा है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। फॉर मिनिमा d2s/dx, अगेन फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 4 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 into 4v/x³, ठीक है। ये हो गया 4 8v/x³, यहाँ पे x³ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। 4 + 8v, x³ भी v है, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 मतलब ये क्या हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 0। जब कभी भी d2s/dx² इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन क्या है, लीस्ट होगा, मिनिमा होगा, ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें इससे एक चीज़ और पूछी है हमसे, कि ये बताओ कि गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, प्रूव दैट सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ ए स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, ठीक है। व्हेन इट इज अ क्यूब, जब ये क्या हो, क्यूब हो, तो क्यूब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब क्या पूछा है, मतलब कि ये जो लेंथ है, ब्रेथ है और जो हाइट है, वो आपस में कैसी होंगी, सब बराबर होंगी। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर होते हैं, हमें ये शो करना है। तो ये हम कैसे शो करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन 1 हमें दी है, इस इक्वेशन 1 में हम गए, ठीक है, तो 1 में गए, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे एक्स पॉइंट क्या था, एक्स क्यूब क्या आया था, वी आया था। इस एक्स क्यूब को या v की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे इसी में, फॉर क्यूब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x³ आई है, हमने यहाँ रख दिया इन प्लेस ऑफ वी x³, और नीचे x² था, ये इससे कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ये जब y इज इक्वल टू x आ गया, मतलब y और x भी आपस में बराबर है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर है, तो ये क्या प्रूव हो गया, इट इज़ अ क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब ये है
कोई भी क्यूबॉइड जो है हमारे पास, कोई भी क्यूबॉइड है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है और जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है, और उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा, कब होगा, जब वो क्यूबॉइड नहीं, वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ ए स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया मिनिमम तभी होगा जब वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड से क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बार बार पॉज करके देखिए इसको, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भेजिए हमें, मेल करिए हमें, ठीक है। डू सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक एंड प्रेस द बेल।